कितने प्यारे लग रहे हो आप, वाह बहुत सुंदर। माँ बैठे हो आप तो ठीक ही लग रहे हो, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत स्मार्ट हो, तो धन्यवाद कह रहे। कैसे लग रही चाय? आंटी आप भी बहुत अच्छे हो। बाणा, जिसका पुराना नाम मणिभद्रपुरी भी था, यहाँ के वातावरण और यहाँ के संस्कृति की जितनी ज्यादा बात करी जाए उतनी ही कम है। आज हम उसी जगह जा रहे हैं जो पहले भारत का अंतिम गांव हुआ करता था और अब भारत का पहला गांव बन चुका है, और यहाँ पर भारत का पहली चाय की दुकान भी आपको देखने को मिलेगी। जय बद्री, जय विशाल, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो अभी हम लोग हैं बद्रीनाथ धाम में, माणा गांव जो कि तिब्बत बॉर्डर से अटैच है, और तिब्बत बॉर्डर और माणा गांव से जो बीच की दूरी है वो कम से कम 25 किलोमीटर की है। तो चलते हैं दगड़ियों बद्रीनाथ से माणा गांव की तरफ। तो दोस्तों ये रास्ता जाता है माणा गांव की तरफ। देखिए ये है नीलकंठ पर्वत, और पहाड़ों की खूबसूरती तो आप देख सकते हैं। जो कौवे हैं ना उनकी जो चोंचें हैं एकदम पीली हैं भाई साहब। तो ये गाड़ी मिल गई माणा के लिए, बट जो है हम लोग पैदल यात्री हैं। दो किलोमीटर तो हम लोग आ गए पैदल बद्रीनाथ धाम से। तो उत्तराखंड पैदल यात्रा करते करते आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं भारत के पहले गांव माणा में। कुछ साल पहले इस बोर्ड में लिखा करता था द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया माणा गांव। अधिकतर जो लोग होते हैं इसी जगह पर ज्यादा जो है फोटो खिंचवाते हैं। तो दगड़ियों इंडिया के पहले विलेज में हम लोगों ने कर दी है एंट्री। तो देखिए थोड़ा बहुत ऊपर से पानी आ रहा है, तो रास्ता कुछ इस प्रकार से होगा खराब। यहाँ पर ना जो है पूरा माणा गांव का जो है स्टैंड होगा, क्योंकि ये जो जगह है ना बहुत ही ज्यादा विख्यात है। हेलो, कहाँ से हैं आप? अच्छा नेपाल से। बाय बाय। पढ़ाई करते हो नहीं करते हो? जो बहुत सारे लोग हैं वो कंडी के माध्यम से अपना रोजगार चलाते हैं, मतलब दो वक्त की रोटी कमाते हैं। तो जस्ट मेरे पीछे देखे भैया हैं। हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया हैं। अच्छा कहाँ से हैं आप? नेपाल के। तो भैया नेपाल से हैं। नेपाल कौन से जगह से हैं? कालीकोट। कालीकोट, अरे वाह, पहला घर ही इतना प्यारा लग रहा है, इतना मस्त डेवलप। तो यहाँ पर देखे भाई साहब पहली दुकान ना इतनी प्यारी दुकान है। अधिकतर जो कपड़े दिख रहे हैं वो सब हाथ की कलाओं के माध्यम से बना रखा है। आंटी जी नमस्ते। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। अच्छा यहीं से हैं? हाँ यहीं से। अरे वाह वाह वाह। तो ये जो अभी मैं देख रहा हूँ आपकी दुकान में ना, कि ये जो ये हाथों के माध्यम से ऊन होता है ना बकरियों का, तो आपने बना रखा है? हाँ, अरे वाह, मतलब मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। ये पत्थर चट्टा हिमालय। अच्छा किडनी स्टोन के लिए। अच्छा अच्छा, तो ये एकदम पहाड़ी औषधि होगी। अरे वाह वाह वाह, तो 85 रुपए का बस ये? मात्र 50 रुपए देने में अभी कैसे कर? मतलब मात्र 50 रुपए का? 50 रुपए भी नहीं दे रहे हैं। ये जो चाय मसाला है ना हमारी आंटी के द्वारा, अब तो मतलब मेरी छोटी मम्मी जैसी हुई, उन्होंने दे दिया एकदम फ्री। थोड़ी बहुत तबीयत खराब हुई थी मेरी, सर्दी लगी थी ना, तो काढ़ा बना के पी सकता हूँ इसका कह रहे थे। तो चलते हैं अब आगे की तरफ कंडे के माध्यम से भी देखे। हेलो हेलो, कैसे हैं? अच्छे हैं। हेलो भैया जी, कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद से। रास्ते रास्ते गलियों गलियों में ना इतने प्यारे प्यारे ड्राइंग बना रखी हैं, जिससे गलियां जो हैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। फिर जो है ये जो वाले आंटी है, इस आंटी जी की तो बात ही अलग है। देखो इनकी जो वेशभूषा है कितनी ज्यादा प्यारी है। हेलो अंकल जी, कैसे हो? तेलंगाना। तेलंगाना से हो? यहाँ से हमको मिल जाता है अब दो रास्ते, मतलब एक रास्ता कुछ इस तरह से है, एक रास्ता यहाँ गेट से। अब भारत की जो अंतिम चाय की दुकान है वो कहाँ पर है आंटी जी? एक टोपी। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते। आपने बताया कि किस प्रकार से ऊन के माध्यम से जो है हम लोग इतने मस्त मस्त वस्त्र बनाते हैं, तो शुक्रिया आपका दिल से। बाय बाय बाय। इस पर्वत का नाम है नारायण पर्वत, विष्णु भगवान जी का, और यहीं से जो ये रास्ता है ये जाता है स्वर्गारोहणी की साइड जाती है। जैसे ही हम लोगों ने ना माणा में इंटर करा तो यहाँ पर ना अलग अलग जगहों से लोग आए हैं। यहाँ पर ना जो है गणेश भगवान जी का गुफा है। ओके आंटी जी, सबसे पहले आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, सेम टू यू, गॉड ब्लेस यू। और आप आई थिंक जो है बद्रीनाथ धाम आए होंगे ना? गणेश गुफा, गणेश गुफा मतलब यहाँ इसी माणा जगह में ना वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना करी थी और गणेश जी ने उसको लिखा था, और दर्शन करते हैं श्री गणेश जी का। तो यहाँ पर देखिए बहुत से श्रद्धालु अलग अलग जगह से आए हैं। यहीं पर महाभारत की रचना हुई थी। यहाँ पर माणा गांव में स्थित है गणेश गुफा। और इनको क्या कह रहे हो आप? इनको
मुझे लगा ये लड़की है तो जस्ट पूछा मैं। अच्छा लड़की है, लगा क्या आपको? बाल लंबे लग रहे थे तो मुझे लगा टॉप पे। तो यहाँ पर दिख रहा है पहाड़ी बुरांस और जूस है, 15 रुपए गिलास है। तो किस प्रकार से आपने ये बुरांस का जूस बनाया थोड़ा बताएंगे? फ्लावर का होता है, उसके बाद मिक्सचर में इसको पूरा इसका जूस निकाल देते हैं जी, फिर वो बोतल में प्योर रहता है। अच्छा, जब कोई ले जाएंगे सिर्फ इतना डालना गिलास में, इतना जो प्योर उसकी ना पानी। अरे वाह वाह। और ये ना हार्ट के टाइम में बहुत ज्यादा काम आता है, जब हार्ट की बीमारी में। यहाँ पर देखिए हमारी दो आंटियां भी हैं। अरे वाह वाह वाह। आपको पहले तो मेरे उत्तराखंड की तरफ से नमस्ते। क्या धाम की यात्रा करके आ रहे हैं यार? जी नमस्ते। हाँ भैया नमस्ते। और फिर ये पी रहे हैं शुगर के लिए। जी नमस्ते नमस्ते। हाँ अब जाके बोल रहे हैं। अच्छा, चार धाम की यात्रा करके आ रहे हैं राजस्थान डूंगरपुर से है। डूंगरपुर? हाँ राजस्थान डूंगरपुर। जरा आप बताएंगे? अरे वाह, जरा आप बताएंगे डूंगरपुर में क्या क्या फेमस है? एक तो खूबसूरत तो आप लग ही रहे हो। धन्यवाद आपका। और देखो इतनी प्यारी स्माइल है आपकी, वाह नजर ना लगे आपको तो यार। राजस्थान की आंटी जी ने पी दिया है बुरांस के फूल का जूस। पी दिया? बहुत स्वादिष्ट हो रहा था। हाँ अब आपकी दिल की धड़कनें ज्यादा नहीं चलेंगी, कम चलेंगी अब। हाँ दिलिया हवा में उड़ने लगी है, हुआ पराया जी। बाय बाय आंटी। आंटी बहुत प्यारी है यार, देखो बाय बाय। ये सभी ना कान की कनपट्टियां हैं और ये भी हाथों के माध्यम से, हाथ की कलाओं के माध्यम से बनाया जाता है। हमारे उत्तराखंड की जो पहनावा है ना, खासकर ये नथुली पिछोड़ा घाघरा, ये देखो सिर्फ अब अधिकतर जो है कुछ इस प्रकार से चित्रों में ही रह गई है। अभी हम लोग जा रहे हैं इंडिया का जो फर्स्ट चाय का दुकान है वहाँ पर, और व्यास गुफा भी जो है ना ऊपर की साइड। भैया थक गए हैं। आंटी बहुत, यू आर सो ब्यूटीफुल। ये देखो किस कर रही है। मैंने आंटी की थोड़ी बहुत तारीफ कर दिया, आंटी ऐसा कर रही है मुझे। तो मनोज ने एक टोपी पसंद कर लिया गुलाबी कलर की। गुलाबी आंखें जो तेरी देखें दीवाना ये दिल हो गया। तो यहाँ से ना जो भीम पुल की दूरी है 300 मीटर जस्ट आपका लेफ्ट में है। बार बार लोग जो है कंफ्यूज हो रहे हैं कुंदन को लेके कि इसके बहुत बड़े बाल है ना, तो अधिकतर जो लोग हैं वो ऐसा सोच रहे हैं कि जो कुंदन है वो लड़की है। स्वामी जी जय बद्री विशाल लाल। तो अभी हम लोग यहाँ पर नए हैं तो हमें पता नहीं चल रहा, क्योंकि हर जगह पे जो दुकान है चाय की दुकान है, जो पूरे विख्यात है, जो दुकान फेमस है विख्यात है, जो कि भारत का अंतिम चाय की दुकान को लेके था। अच्छा ऊपर पे ही है भारत की आखिरी चाय की दुकान, देश की सरहद पर चाय की एक घोट के साथ देशभक्ति का सुगंध एहसास। तो दगड़ियों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं भारत के आखिरी चाय की दुकान में, और ये मतलब सपना था, या पहले तो सपना ही था अब तो हकीकत में बदल चुका है। ये है भारत की आखिरी चाय की दुकान और यहाँ पर पीते हम लोग चाय। आंटी हेलो, पहुँच गए? अरे वाह वाह वाह, बहुत। कहाँ से हैं आप लोग? पंजाब। अरे पाजी पाजी। अरे अरे वाह वाह वाह। अंकल जी एक बार थोड़ा बहुत पंजाबी भाषा में बोल दीजिए कि हम लोग भारत की आखिरी चाय की दुकान में आए हैं। बोलो भारत माता की। अंकल जी अभी लग रहे हैं शाहरुख खान, एकदम हीरो लग रहे हैं अंकल आप चश्मे में। आंटी जी लग रही हैं एकदम हीरोइन, ऐश्वर्या राय लग रही है आंटी। यहाँ पर है वेद व्यास जी का गुफा, वेद व्यास जी जो कि महाभारत के रचयिता होते हैं और गणेश जी पूरी लिखते हैं उनको। तो गणेश जी का गुफा नीचे पे है और यहाँ पर वेद व्यास जी का गुफा, पता नहीं अलग अलग क्यों है, कुछ झगड़ा हुआ था कि उनके बीच में, मुझे पता नहीं है। गड़ियों अगर यहाँ पर मेरा दुकान हो जाता तो बहुत चलता यार, और थोड़ा बहुत यूट्यूब में जो है सब्सक्राइबर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते। तो यहाँ पर है वेद व्यास गुफा कुछ इस प्रकार से, देखिए चाय बढ़िया है और जगह तो आप व्यू देख ही रहे हो। अरे वाह जगह तो। हाँ तो कहाँ से हैं आप? मैं इंदौर से। इंदौर से? अच्छा आप लोगों की दुकान है यहाँ पे? अरे वाह, तो देखिए यहाँ पर हाथ के माध्यम से भी पुरानी दुकान है। हाँ चाय की ना। हाँ ये सन 1992। अरे दगड़ियों यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक फोटो है भारत की, ऐसे था यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे कोई, हाँ ये देखिए पूरा पहले ऐसा था कुछ इस प्रकार से। अंकल जी ने बना दिया है अपने हाथों से, अभी नीचे है वो स्वादिष्ट चाय। तो अंकल जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम चंद्र सिंह। तो सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार आपको भी। मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ, अभी हमारा पैदल यात्रा चल रहा है बिना पैसों के साथ, ठीक है। और अभी मतलब एक सपना था कि भारत के अंतिम चाय के दुकान में चाय पीने का, जो कि मुझे मिल चुका है आपके द्वारा, तो दिल से शुक्रिया। मुझे गर्व है ऐसे लड़कों पे
कि जो भारत भ्रमण भारत जी हाँ उत्तराखंड की यात्रा उत्तराखंड भ्रमण कर रहे हैं, मुझे गर्व महसूस करता है। जी जी आप लोगों से भी और बच्चे भी सीखेंगे। अरे वाह वाह कि उत्तराखंड में और बच्चे सीखेंगे कि हम किस तौर से चलना है जी, किस तौर से रहना है जी जी जी। अरे वाह वो एक सबक मिलेगा। हाँ हाँ तो मुझे एक गर्व है। हाँ। आने वाले भविष्य में जो आपका यूट्यूब चैनल देखेंगे जी जी तो उनको भी एक सबक मिलेगा। हाँ। हमारे बड़े बड़े भाई लोग कैसे चल रहे हैं जी जी। और बिना पैसे का जी जी यात्रा कर रहे हैं जी तो उनको भी बहुत गर्व होगा जी जी। पहली बार भारत की आखिरी चाय की दुकान में आया था और पहली चाय गिर गई मेरी, ऐसी तो किस्मत है मेरी। अब दोबारा दे रहे हैं आप भारत की आखिरी चाय की दुकान, अब तो पहली हो चुकी है। चाचा जी ने बता दिया आपको कि किस प्रकार से यहाँ पर ये दुकान का निर्माण हुआ। भारत का पहला गांव बन चुका है माणा, तो ये भी पहली चाय की दुकान है। चाय भी पी ली है लेकिन पहले चाय गिर गई थी और दूसरा चाय पिया और काफी स्वादिष्ट था। अंकल तीन चाय है, एक चाय गिर गई थी उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, कितने रुपए हो गए? कोई नहीं बेटा, हमारे ओर से दे रहे हैं मैं चाय। अरे वाह कोई बात नहीं, हमें ऐसे लड़के से बहुत गर्व महसूस होता है। गैस में ना इतने बड़े बड़े जो है ये क्या बोलते हैं इसको जिसमें चाय बनाते हैं, फ्राई पान में देखो चाय। अंकल आपको टाइम ही नहीं मिलता हुआ खाली बैठने का ना बेटा, चाय बना दो कहते भैया चाय। तो कितनी प्यारी लग रहे हैं ये, स्मार्ट लग रहे हो आप। तो मैं पहाड़ियों बोलता हूँ भले हो लगने तक करियो मुझे पसंद आएगा, इनको वादा समझ नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत स्मार्ट हो। आज मैं पहली बार यहाँ पर दुकानदारी कर रहा हूँ ब्लॉग छोड़ के। वाह आपके चश्मा बढ़िया लग रहा है एकदम। हेलो कहाँ से हैं? बैंगलोर से। अरे वाह हम लोग उत्तराखंड से, उत्तराखंड पैदल यात्रा कर रहे हैं, एक्चुअली यूट्यूब चलाते हैं और जस्ट अभी हम लोग पहुँचे यहाँ पर पैदल। चाय पी रहे हो? अच्छा अच्छा अंकल नमस्ते। नमस्ते अंकल, चश्मे में तो आप एकदम सनी देओल लग रहे हो। निकलने का ना ना नो निकालने का, एकदम सलमान खान। और यहाँ पर जो चाय की दुकान है ना अंतिम और पहली भी है, तो थोड़े बहुत हेल्प करने में बहुत बड़ी बात होती है ना, तो थोड़ा बहुत हेल्प भी करना चाहिए। और चाय बांट रहा हूँ मैं, अब वेटर का काम कर रहा हूँ दबियो यहाँ पर। अब दबियो कहता था इनके घर वाले मारते इनसे चुपचाप चलते हैं। भाई जो हमारे चाचा जी हैं दुकान वाले, चाय की दुकान वाले, थोड़ी बहुत गर्म पानी दी थी, दवाई खाते हैं यहीं पर। तबीयत खराब हो गई थी तो ये है दवाई जो कि अंकल जी के द्वारा दी गई थी, ये भारत के आखिरी चाय की दुकान में। इससे हो जाएगा सही? हाँ बेटा। अरे वाह तो मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय कुमाऊं जय गढ़वाल, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।